ये भजन चिकड़ियों का प्रोग्राम कृष्ण भगवान की पावन भूमि ऐतिहासिक धाम मासूम नगर में हो रहा है। इसके रिकॉर्डिंग करता है श्रीमान देवेंद्र जी मुड़िया कठुमर से, ढोलक पर संगति दे रहे हैं भाई मलखान सिंह थैरावर, और जो पेड़ की धनकार दिखा रहे हैं भाई मुरारीलाल देविया कनाला, और आपके सामने जिकड़ी का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह नगला सीखम। आइए सुनिएगा। नमामी नमस्कार, राम राम साहब। भैया जी, गाना बजाना कोई जादूगर का खेल नहीं। अवाला माइक खूब बढ़िया बज रहे हो, ये तो मशीन गिरी है, पर समय समय की बात हुआ करती है। जैसे एक जंगल है, जंगल के पास एक तालाब है, जंगल में अग्नि लगी हुई है, बारी बारी से सभी व्यक्ति अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नजारे को एक चिड़िया कर रही है, तालाब के अंदर जाती है, जितना जिसकी चोंच में पानी आता है उतना पानी तालाब से लाकर के अग्नि के ऊपर डाल रही है। देखने वाले साहिबान ने देख लिया और चिड़िया से पूछा, ये बताइए अग्नि जल रही है, सभी गांव वाले व्यक्ति अग्नि को बुझा रहे, आप भी कोशिश कर रही है, तालाब के अंदर जाती है, तुम्हारी चोंच में थोड़ा सा पानी आता है, क्या इस थोड़े से पानी से अग्नि बुझ सकती है? चिड़िया ने जवाब दिया, अग्नि बुझे या ना बुझे मैं ये नहीं जानती, जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कविराज जी लिख रहे, वो क्या लिख रहे हैं? धोई किंदे हक्यों दे खतुए और दिन चारक में लकड़ी सी जलेगी, कितनो मोह करो या धन से पर मोती की बात कबहु ना करे, काम क्रोध में उलझे रहो और मोती के बाद कबूतर लेगी, रभे राम पुकार कहे जे अंत समय न तेरी दारी करे। फिर भी चेतावनी दिए, वो क्या दिए मसा? मति मोह माया में डोल पिया, अरे डोल पिया रे धनु यही धर्यो रे मोह माया में डोल पिया रे धनु यही धर्यो रह जाए गो, मोह माया पटा तू खोल पिया, खोल पिया रे धनु यही धर्यो रे जाए गो, अति मोहाया में खोल पिया रे धनु यही धर्यो रे जाए गो, अति मोहाया
आप लोगों ने एक दो बार नहीं सुना हो, परंतु कवियों की कविता और गाने वालों के ढंग अलग हुआ करते हैं। आप अपने ध्यान को लगाएंगे, यानी महाभारत खत्म हो गया, समापन हो गया। पांचों पांडव महाराज परीक्षित के लिए राज्य देकर के हिमालय की ओर चली गई। शासन शुरू किया कलयुग ने, अपनों पैर जमायो है, कर्ण शिकार परीक्षित राजा बियाबान में आयो। सिर पे ताज धर्यो सोने को, और करी नपनी देरी, और मेरे बाबा कलयुग ने माया। महाराज परीक्षित सोने के मुकुट को पहन करके शिकार खेलने के वास्ते महलों से चल दिए। देशवाल जी, ये क्या हो रहा है जबी से? अरे हारे थक्यो परीक्षित राजा, और मुनि के पास पधार्यो है, हो सहवास उड़ेगा रवि के मन में हिम्मत हार्यो है। वो कुनीर पिलाज बाबा मुनसे वचन उचार्यो है, अरे वो कुनीर पिलाज बाबा मुनसे वचन उचार्यो है, हरि कहे साधु के गले में मरे सरफ कुंडार्यो है, मरे सरफ कुंडार्यो है। दादाजी, जब चिकड़ी वाली बात चल रही है, कबीरा जी लिख रहे परित्रिया से प्रेम बढ़ाई के, परित्रिया से प्रेम बढ़ाई के कोई ना सुख दे सोयो, परित्रिया से प्रेम बढ़ाई के कोई ना सुख दे सोयो, रावण जैसो योद्धा जाने जरा मूड से खोयो, जरा मूड से खोयो। भैया जी, नारी अहिल्या के चक्कर में, नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोयो, हरि कहे फिर नानू बारो तू मूड पकड़ के रोयो, मूड पकड़ के। डीके जी, डीके गौतम जी, मोहली वाले हमारे लिए 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में दे रहे। और भैया जी, कबीरा जी लिख रहे, नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोया, हरि कहे फिर नानू बार तू मूड पकड़ के रोयो, मूड पकड़ के रोयो। भैया जी, बूढ़े बड़े बाप जादे जे भूखे प्यासे जी रहे हैं, बूढ़े बड़े बाप जादे जे भूखे प्यासे जी रहे हैं, जिनके बेटा जिनके लल्लू चौराहे पे खुल के पौआ पी रहे हैं, खुल के पौआ पी रहे हैं। भैया जी, आप अपने ध्यान को वहीं लगाइए कथा की ओर, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद जिकड़ी के सम्राट गायक, वैसे अब प्यासी हैं, और जिकड़ी के सम्राट गायक रहे और रहेंगे भी भाई चौधरी अमर सिंह जी, इनके लिए ताली बजा करके स्वागत होना चाहिए। और भैया जी, कबीरा जी लिख रहे, क्या लिख रहे मास्टर जी, बता दिया, क्या बता दिया, क्या बात।
जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्फ डाला है उसे साथ में दे वो तक्षक ना खत्म कर देगा। दादाजी जब जिगड़ी वाली बात चल रही है तो जिगड़ी के अंदर ये नहीं होता जैसे ही गा दिया वैसे ही अर्था दिया। भाई तेज सिंह जी कितनी बढ़िया बातें कह रहे थे, आप सुन भी रहे थे, हम भी सुन रहे थे, और हमारी पहचान जिगड़ी। और जिगड़ी माने गायक, यूं कह रहे ऐसी कथा सुनाऊंगा जो काऊ गवैया पे तो नहीं सुनी होगी, कथा होगी नहीं कौठिया तो मैं सुन कहां के लेंगे। गौर करियो जब मैंने मासूम नगर देखियो ही ना आए तो मुए कहा पतो कौन से जिले में, पाकिस्तान में के हिंदुस्तान में। यही बात है, समीक ऋषि के सपुत्र संगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे साथ में दर वो तक्षक ना खत्म कर देगा। सवरे जग में हल्ला है गयो, चर्चा है गई भारी है, और बेअपराध मरेगो राजा दुखी वहे नर। इतनी सुन के धनवंत ने, कथा चल रही है दादाजी महाराज परीक्षित समीक ऋषि की, ये धनवंत कौन है? आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था जब 14 रत्न निकले थे तो ये धनवंत भी निकला था। इतनी सुन के धनवंत ने और बात हृदय में तोली, और मेरे बाबा कंधा पे डाल ली। धनवंत ने भी कह दिया मेरे जीते जीवो तक्षक नाग। महाराज परीक्षित का बाली बांका नहीं कर सकता। अब वो धनवंतर वैद्य हस्तनापुर की ओर जा रहे और मास्टर कथा क्या मोड़ ले रहे। अरे वैद्य राजन बोल सिसले और टोली मार की हिला, हस्तनापुर चलो रे गुरु के सांगा चेला। नागुमा तक्षक हुआ वे गो दिन सा
हस्तनापुर के लिए जा रहा हूँ। के बाबा क्यों जा रहे हो? वहां पर तक्षक नाग आएगा, महाराज परीक्षण को साथ में दिन खत्म कर देगा। पर एक बात बता दूं, जो विद्वान आदमी होता है वो बात को इशारे से ही समझ जाता है। धनवंतर वैद्य के अंदर कुछ संशय हो गई। धनवंतर वैद्य कह रहे जो बता बेटा, ये जान तो महाराज परीक्षण तुम मर जा, चाहे जिंदा रहे तुझे क्या करना है, पर तू तो बता दे बेटा तू कौन है। तभी वो तक्षक नाग साधारण भेष में खड़ा था, अपने भेष में आ गया। बाबा मैं वही तक्षक नाग हूँ, मैं सात दिन महाराज परीक्षण को खत्म कर दूंगा। धनवंतर वैद्य हंस गए। हंसने का भी कोई कारण होता है। धनवंतर वैद्य कह रहे जी अच्छा ही हुआ, हस्तनापुर पहुंचने से पहले ही मेरी तुझसे मुलाकात हो गई। बेटा तू तक्षक नाग है तो मैं देवताओं का सबसे बड़ा वैद्य धनवंतर हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है किसी व्यक्ति को सर्प खा जाए मैं मंत्र पढ़ के फूंक मार दूंगा, वो आदमी सही कर दूंगा। और धनवंतर वैद्य कह रहे केरो जहर जला दऊं पल में, ए तक्षक नाग केरो जहर जला दऊं पल में। और देख लो तेज सिंह जी अलवरवारे साउंड वारे वो अलवरवारे देख चलियो तुम तमाशो, तेरो जहर जला दो पल में, कई नाग देवानी है उनने कदेर में नप जाएगो कौन में कितनो। वृक्ष देख के वैद्यराज ने धनवंतर वैद्य ने जंगल में एक पेड़ को निहल लिया। वृक्ष देख के वैद्यराज ने कहीं तू अपना हुनर दिखा दे, और बेटा जब पेड़ में आ गई तूने पेड़ को जला दिया तो मैं अपने घर के लिए वापस हो जाऊंगा। जिकड़ी को ढोला लंगड़ा ढोला साउंड वाले भैया चांडाल घोपड़ी है भड़काए भाई जरूरत नहीं, अब ढोला में क्या लिख रहे हैं क्या। दो मिनट रह गई और जिकड़ी के ढोला पे समय समापन हुआ। आशा डाबली की नाकू हो वंच भैया जाए श्रीमान सूरजमल जी दे दे हमारे लिए पढ़ के मंत्रा भूखा जावा मारू नाम बताई जाइयो नहीं अपनी नाक